हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है सॉरी फॉर द डिले दो तीन दिन के लिए आई वाज आउट ऑफ द स्टेशन सो वीडियो नहीं आ पाई बट मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा गिरे हुए थे और आज की डेट में

क्योंकि तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग वो शेयर भागना चाहिए जैसे हमारे मोस्टली स्टॉक्स यहाँ पर भागते हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते बार बिफोर द वीडियो में आगे बड़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट हो रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉन्टैक्ट नंबर है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे और आप हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं और लास्ट हमने ट्रेडिंग सेशन में एक वीडियो बनाई थी कब बनाई थी यहाँ पर फोर डेज पहले यहाँ पर एक वीडियो बनी थी वैसे मैंने यहाँ पर इन पर्टिकुलर स्टॉक से बातें करी थी मेघमानी फिन कैप सौ रुपए यहाँ पर भाग चुका है इसके अलावा दीपक नाइट्रेट यहाँ पर तीन थी, सौ रुपए भाग चुका है आरती ड्रग्स आरती इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर ये स्टॉक लगभग साठ रुपए भाग चुका है बालाजी अमाइंस दो सौ रुपये एलकाइल अमाइंस भी सौ डेढ़ सौ रुपये के आसपास जो कि अभी भागेंगी गुजरात एल्कलीस की बात करें सौ रुपये विनाती ऑर्गेनिक बहुत बेहतरीन लेवल पर चल रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी लगभग उसी लेवल पर तीस चालीस रुपए भाग चुका है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं ऐसे स्टॉक्स जो आपको मिलते रहे पैसे कमते रहे ऐसी तो जिस दिन ये वीडियो बनाई थी उस दिन भी इसी तरीके से यहाँ पर यहाँ पर चीजें भागती हुई दिखाई दी थी मास्टेक एम्फेसिस हैपीएस्ट माइंड एक रग्स भागते हुए दिखाई दिए और हैपीएस्ट

इलेक्ट्रोड बनाता हुआ कंपनी नजर आती है अगर आपने साइंस हाँ, पढ़ी होगी तो इलेक्ट्रोड से रिलेटेड यहाँ पर सवाल आते थे इलेक्ट्रॉन्स का एक चैप्टर आता था तो आपको पता होगा वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ग्रिफाइड इलेक्ट्रोड्स प्लांटेड इन द वर्ल्ड तो यहां पर यहां पर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटिव ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स प्लांट है और पूरी भारत की बात नहीं हो रही वर्ल्ड की बात हो रही है प्रोसेसिंग सोफिस्टिकेटेड यू एच पी अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रोड्स इट इज द प्रीमियर कंपनी ऑफ द एल एन जी बिलवारा ग्रुप तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन यहाँ पर कंपनी नजर आती है इसके अलावा इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बिजनेस मॉडल समझ में आएगी इलेक्ट्रोड होता क्या है वो समझ में आएगी इलेक्ट्रोड्स कहाँ काम आता है और एक बार इसे भी सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगी कि इसका स्कोप आने वाले टाइम में कहां पर आता है आई थिंक ये इलेक्ट्रिक ईवीज में भी एक काम प्ले करता हुआ दिखाई देगा यहां पर एक बेहतरीन लेवल यहां पर ये ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है काम आती हुई दिखाई देगी याद रखिएगा यहाँ पर इनके यहाँ पर देखिए सारे इलेक्ट्रोड से रिलेटेड ये ये है और यहाँ पर दो कंपनी है ग्रे आ, ग्रेफाइट इलेक्ट्रो पर्टिकुलर कंपनी जो पी है इसके अलावा एक और कंपनी है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा बट हम बात कर रहे हैं एचईडी की सिंपल तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोड्स ये एचईडी काम करती है पावर डिविजन में और कार्बन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर इन पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाइएगा इनकी तो आपको पूरे की सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी एक्सपीरियंस यहाँ पर वेयर हाउस टेक्निकल एक्सपर्टीज ये सब चीज पता चल जाएगी इसके अलावा ये काम काम कहाँ आते हैं तो इनके क्लाइंट की बात करें तो ईजी स्टील टाटा स्टील जो कि वर्ल्ड का यहाँ पर नंबर वन है एस सेल यहाँ पर बात करें कतार स्टील कतार स्टील यहाँ पर पॉस्को और ये एक सऊदी का होगा आई थिंक नुकोर जिंदल स्टील जेएसएल यहाँ पर और भी आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये देखिए यूरोपा एस एसल और मित्तल सेल, आ, सेलसा ग्रुप इसके अलावा इजी स्टील इजी तो यहाँ पर बड़, बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी कंपनी कम, है स्टील से रिलेटेड सारी की सारी कंपनी में यहाँ पर का ये ये इनके क्लाइंट है और इसमें ही ये सारी कंपनी में क्या काम आता है यहाँ पर काम आता है ग्रेफाइट तो एक बार जाके इनके बारे में पढ़िएगा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चलती हुई नजर आएगी अब आते हैं मेन मुद्दे पे क्योंकि देखिये बिजनेस मॉडल समझ लिया ओके okay, स्टील से जब स्टील यहाँ पर सेक्टर भागता हुआ नजर आएगा ये सेक्टर भी साथ साथ भागता हुआ नजर आएगा याद रखिएगा और ये इस पर्टिकुलर स्टॉक को चुनने के पीछे रीजन क्या है तो सबसे सब पहले मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है तो याद रखिएगा गिरता है तो बड़ी तेजी से भागता है तो बड़ी तेजी से जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखा दिख जाएगा यहाँ पर देखिए शेयर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे यहां पर लेके आते हैं तो आपको पता चलेगी कि शेयर देखिए यहाँ पर फ्लैट चल रहा था और भागा तो एक सौ चौसठ एक सौ इकसठ रुपए वाला शेयर यहाँ पर बयालीस सौ रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया उसके बाद जब गिरा बयालीस तो सौ रुपए वाला स्टॉक आठ सौ कुछ पे आया और दोबारा अभी यहाँ पर छब्बीस सौ छत्तीस बत्तीस सौ के आसपास तेईस सौ के आसपास शेयर आया था इसके बाद एक अच्छी से खासी गिरावट लगभग सत्रह सौ कुछ पे आज भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर देखिए गिरने के पीछे रीजन क्या होता है सिंपल फाइनेंशियल अच्छे ना आना फाइनेंशियल अच्छे नहीं आते चीजें गिरती है फाइनेंशियल्स अच्छे आते तो चीजें भागती है तो हम चीजें अगर मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर्टिकुलर यह पर यह पर यह पर वीडियो बना रहा हूँ तो इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और जब घिरी हुई है चीज तो दोबारा भागती हुई दिखाई देगी इसलिए यहाँ पर इस स्टॉक्स को यहाँ पर बताया जा रहा है और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का हमारे इस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई वो नहीं है स्विंग ट्रेडिंग तो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे टू किटी की बात करें दस परसेंट का यहाँ पर डेट है आरो सी आरो नेगेटिव है इसे यहाँ पर छोड़ दीजिए पीई .E. की बात करें फोर्टी इसे .E. भी छोड़ दीजिए यहाँ पर uh, इंटरसिक वैल्यू तेरह सौ कुछ के आसपास है बुक वैल्यू नौ सौ इक्यावन शेयर चल रहा है यहाँ पर लगभग सत्रह सौ तिरानवे रुपए इसके पियर कंपनी की बात करूं तो ग्रेफाइट इंडिया ये पर इसकी पियर कंपनी है इसकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं ग्रेफाइट इंडिया बट यहाँ पर एच मुझे आ, कुछ पैमाने पे अच्छी लगी ओके okay, इसलिए मैंने एच ईडी में यहाँ पर पोजीशन बनाई पर दोनों में विचार किया गया आज ग्रेफाइट इंडिया एच ईडी कौन सा बेटर है दोनों को कंपेयर किया गया ओवरऑल कंपैरिजन में पर एचई डी यहाँ पर पर ज्यादा नजर आ रहा है इवन दो ग्रेफाइट इंडिया थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी कंपनी है पी की बात करें तो पी यहाँ पर कम है और यहाँ पर आर ओसी की बात करें तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है बट स्टिल यहाँ पर एचईडी को यहाँ पर चूज किया गया इसी रीजन की वजह से वो रीजन मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट सॉरी तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे देखिए यहाँ पर शेयर अः यहाँ पर जो इसकी सेल्स थी ना गिरती हुई नजर आई इसी वजह से जो शेयर यहाँ पर चार हजार रुपये चल रहा था वो यहाँ पर आठ सौ रुपये पे दोबारा आता था वो दिखाई दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बट यहाँ पर चीजें आपको नजर आएगी कि पिछले अगर हम बात करें आठ से आठ नौ क्वार्टर की सात आठ क्वार्टर की तो आपको पता चलेगी कि ये जो सेल्स थी थ्री से धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई ओके पेंडेमिक का असर था बट यहाँ पर अभी की सेल्स की बात करें जो सप्टेम्बर में आई थी पांच करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स थी एक्सपेंस की बात छिहत्तर था और एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपेंस थोड़ा सा यहाँ पर घटता हुआ नजर आया बट यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट एक सौ बत्तीस करोड़ था जो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ईयरली बेसिस पे बात कर लो यहाँ पर जो है माइनस पंद्रह जो घाटे में थी वो प्लस में और इसके अलावा यहाँ पर क्वार्टरली कौ, कौ, बेस पे बात करें तो भी यहाँ पर प्लस में है तो कंपनी ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और एक लंबे टाइम के बाद यहाँ पर हाँ बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है जब ऐसी चीजें हो रही है तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर चीजें बनती हुई नजर आती है तो यहाँ पर चीजें लेनी चाहिए इसके अलावा यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर ये से ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर ज्यादा है तो ग्रेफाइट इंडिया की बात करूं तो ग्रेफाइट इंडिया में यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर इग्नोर किया इसे इसके अलावा ईयरली बेसिस पे बात करें तो कंपनी का ग्रोथ की बात करें क्या यहाँ पर शेयर गिरता हुआ नजर आया इसके बाद ऊपर नीचे चढ़ता रहता है कि कभी सेल ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है एस पर द रिक्वायरमेंट ये ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है कि इन्वेस्ट कर दे टीसीएस या रिलायंस की तरह और बात करें दस साल के बाद पैसा बनेगा तो ऐसा कुछ नहीं है इन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा चल रहा था इसके बाद यहाँ पर घाटा uh, होता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पर सेल्स भी कम होती हुई दिखाई दी बट पिछले बारह महीने की बात करूं तो सौ करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है अच्छा खासा इसके वर्किंग तो सौ करोड़ के आसपास है मतलब यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रही है इसलिए यहां पर ज्यादा खर्चा कर रहे यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे अच्छे खासे लगा रखे तो जब यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे लगा रखे तो यहाँ पर फिक्स में जब ये ऐड होता हुआ नजर आएगा तो इनकी सेल्स और बढ़ेगी यहाँ प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा दिस इज द मेन रीजन यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को चुना नेगेटिव में यहाँ पर आर ही है नेट कैश फ्लो है आर भी नेगेटिव में है। इसे छोड़ देते हैं बट यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो प्रोमोटर्स ने यहाँ पर हिस्सा घटाया लगभग साढ़े तीन चार परसेंट और वो हिस्सा सारा का सारा किसने खरीद लिया एफ ने तो यहाँ पर देखिए इस क्वार्टर में एफ ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है और एफ ने जो शेयर खरीदे शायद हमसे ज्यादा प्राइस पे खरीदे हैं तो इस को भी याद रखिएगा आज के प्राइस से बात डी करें एस ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है डी ने भी खरीदे एफ आई ने भी खरीदे और प्रोमोटर्स ने की जो बिकवाली हुई है वो यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्ट्री एफ आई ने खरीद ली है पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास तेईस में से यहाँ पर फोर घटा देंगे तो लगभग लगभग आपके वही उन्नीस परसेंट आसपास हिस्सेदारी के पा के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास है, है। बड़े-बड़े लोगों बढ़ा रहे हैं और FIS की लगातार यहाँ, यह यहाँ, तो यहाँ, तो यहाँ पर जब हिस्सेदारी बढ़ रही है तो बात है चीजें यहाँ पर दोबारा भागती हुई नजर आएगी रिजल्ट की बात करें रिजल्ट आए सब चीट यहाँ पर बेहतरीन नजर आती है Later, अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की तो चार्ट पैटर्न यहाँ पर आपके सामने है सबसे पहले RSI की बात करू थर्टी पॉइंट एट सिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आर एस आई चेंज हो रही है थर्टी पॉइंट एट सिक्स का आर एस आई है सबसे बेहतरीन आर एस आई मानी जाती है इसके अलावा 200 DMA, अच्छे रिजल्ट आने तो ऐसे शेयर को यहाँ पर चूज नहीं तो कर, चूज नहीं करोगे तो कब चूज चूज करोगे जब ये शेयर भाग जाएगा फिर यहाँ पर आप अटके रह जाओगे तो नीचे है यहाँ पर शेयर को लेना चाहिए इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो पहले यहाँ पर इसने एक अम्म यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था इसके बाद सेम यहीं पर ही बार बार दो तीन यहाँ पर कुछ सेशन से बात करें अः यहाँ पर एक महीने से लगभग एक महीना तो नहीं कहूंगा कुछ दिनों से एक ही ट्रेड जगह पर यहां पर बार बार ट्रेड कर रहा है यहाँ पर एक ऊपर की तरफ से ये सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आपके सामने यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिये यहाँ पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो एक यहाँ पर इसने रिवर्स साइड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर शोल्डर बनाया इसके बाद यहाँ पर हेड बनाया फिर एक और हेड बनाया फिर इसके बाद चीजें नीचे आई ओके okay, नीचे आके यहाँ पर एक और हेड बनता हुआ दिखाई देगा सॉरी शोल्डर बनता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर देखिए शोल्डर बना हेड बना फिर शोल्डर बना फिर यहाँ पर एक शोल्डर इस तरीके बना और यहाँ पर जब के से, जब हम देखते हैं तो इसके टारगेट क्या नजर आते हैं है और यहाँ पर शेयर की बात करें तो लगभग यहाँ पर इकतीस परसेंट ऑलरेडी डाउन हो चुका है टू हंड्रेड डीएमए के नीचे है और यहां पर हम ज्यादा टारगेट की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ केवल इस टारगेट की अगर यही शेयर यहाँ पर भी आ गया समझ रहे यहाँ से लेके अपने ऑल टाइम हाई तक भी चला गया तो पैंतालीस परसेंट के रिटर्न बनते हैं और यहाँ पर काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है तो मुझे नहीं लगता है शेयर यहाँ से ज्यादा गिरेगा जबकि हाईएस्ट एवर नंबर आया है और जब नंबर आए थे ना उस दिन देखिए यहाँ पर जब नंबर आए थे सीधे दस बारह ये शेयर दस परसेंट भागता हुआ दिखाई देता है दस से ज्यादा ही भागा था नीचे रिट्रेस हो गया ऑपरेटर्स का काम होता है नीचे गिराना और उसने गिराया ताकि कम लेवल पर यहाँ पर शेयर खरीदे यहाँ पर शेयर इन्होंने भरे होंगे अब चीजें जब भागती हुई नजर आएगी तीन से छह महीने दे दो पैंतालीस परसेंट के रिटर्न यहाँ पर आपके सामने फिर चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है चार्ट पैटर्न कह रहा है कि मैं और भागूंगा कम नहीं भागूंगा तो बत्तीस सौ के टारगेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर कितना परसेंट बनता है जो कि यहाँ पर बनता है यहाँ पर बयासी परसेंट तो बयालीस परसेंट तो नहीं बट यहाँ पर, पर तो करना, करना, अपनी अपनी शेयर अच्छा नजर आ रहा था सब कुछ अच्छा नजर आ रहा था अकॉर्डिंग टू हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से था तो हमने यहाँ पर पोजिशन है बाकी यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना हमारे हमें जितना हो सके सपोर्ट करना लाइक करना कमेंट करना तो यहाँ पर अलविदा लेते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड प्लेस